इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सलोन, कचहरी रोड अजमेर, सलोन जो आपको देता है स्टाइल। मतलब गौशाला के पास में घड़ी है, वार्ड नंबर 7 रत्न रावत कॉलोनी, उसमें गलत कार्यक्रम वेश्या का हो रहा है। दारू भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, सब कार्यक्रम करते हैं वहाँ पर। तो वो हंगामा हमको नहीं चाहिए, वहाँ से सफाई होनी चाहिए और सदबुद्धि से काम होना चाहिए। क्या परेशानी किस तरह से होती है आप लोगों? परेशानी तो बच्चों पर, सब पर, आदमी पर, सब पर असर पड़ते हैं। औरतें निकलती है तो अंदर से निकल के पेशाब करने वेले पेशाब करने लग जाते हैं, और बाहर से आदमी आते हैं, लड़कियां भी आती है, दम क्या देते हैं, हमारे क्या बिगाड़ लोगे? पुलिस हमारे जेब में रहती है, हमारे क्या बिगाड़ लोगे? ऐसे बोलते पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं करी ये 2 साल से, दो साल हो गया। ओपन को नहीं हो, हमने कई बार उसको समझाया, घर तौर से समझाया, लेकिन वो मानती नहीं है वो। इसके बावजूद हम पब्लिक इकट्ठी होके मोहल्ले वाले सब फिर ये कार्य किया, आज कदम उठाए उसको, हाँ थाने में देखे आए और विधायक साहब के पास है। मेरा नाम प्रेमलता है। हमें ना सब्जी लेने में प्रॉब्लम होती है, वहाँ पे जा नहीं पाते, क्यों आदमी खड़े रहते हैं वहाँ पे, हमारे सामने पौवा उंधाते हैं, दारू का शराब पीते हैं और पेशाब करते हैं, अड्डा खोल में लिए खड़े रास्ते में खड़े रहते हैं, बड़े सड़े आदमी सब धमके देते हैं के और खड़े रहते हैं, तो कैसे जाएं सब्जी लेने? बच्चे कैसे आए हमारे? बिगड़ बच्चे बिगड़ेंगे नहीं क्या? उनको मावल देख देख के पास में गली में खुड़ा पे रहती वो, बाहर से लड़कियां बुलाती है और धंधा करवाती है और बोलते हैं तो क्या कहती है कि हमारे से कुछ बिगाड़ लो, कुछ भी कर लो, सब हमारी जेब में रहते हैं, पुलिस वाले डिप्टी ड्यूटी सब हमारी जेब में रहती है, और जी आई की सिम फ्री करती है ना उसको, वैसे है ना औरतों को फ्री कर देंगे हम, ऐसे ही देते हैं धमकी, जिया जैसे जिया की सिम फ्री करेंगे वैसे कर देंगे। हाँ थाने में गए तो हैं, थाना में देखा है रिपोर्ट, अब वो एक्शन ले नहीं ले ये उनका ऊपर है, और एक्शन लेंगे तभी तो पता पड़ेगा ना वहाँ पे, हम वो लगना चाहिए। खुद ही आते हैं रेखा देवी।